बालों को तेजी से लंबा और घना करने का इससे आसान उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगन अनुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। महिलाओं के अपने बालों के प्रति बहुत ही लगाव होता है। हर महिला चाहती है कि उनके लंबे और घने बाल हों। लंबे और घने बाल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लंबे बालों से ना सिर्फ आप खूबसूरत लगते हैं बल्कि खूबसूरत महसूस भी करते हैं। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। लंबे बाल आपकी खूबसूरती को चार चार लगा देते हैं। ये आपकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लड़कियों के लंबे बाल सिर्फ एक ख्वाहिश ही बनकर रह गए हैं। विटामिन ई एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बालों को स्वस्थ रखने में और बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन ई बालों की जड़ों में रक्त संचार को बढ़ाता है जो बालों को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं, विटामिन ई बालों को डैंड्रफ, रूखेपन और दो मुहे होने से भी बचाता है। बालों को लंबा करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप अपने बालों को तेजी से लंबा और घना कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे और आपके लंबे बालों का सपना अधूरा रह जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, नींबू। जी हाँ, 2 चम्मच नींबू के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर बालों की मालिश करें। इसे लगाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी और शैम्पू से धो लें। आप इसका प्रयोग सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। ज्यादा नींबू के रस का प्रयोग करने से बालों पर गलत असर पड़ सकता है। नंबर 2, चावल। जी हाँ, चावल के पानी में अमीनो एसिड और इनोसिटोल नामक तत्व पाया जाता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करने और बालों को झड़ने से रोकने में मदद करता है। इसका उपयोग करने से बाल मुलायम और तेजी से लंबे होते हैं। इसके लिए आप 1 कटोरी चावल को 3 कटोरी पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। आप चावल के पानी से 5 मिनट अपने बालों में मसाज करें और बालों को अच्छे से धुल लें। नंबर 3, नारियल तेल। जी हाँ, अक्सर देखा गया है कि सर्दी के मौसम में सभी के बालों में खुश्की, डैंड्रफ और रूखापन की समस्या बहुत परेशान करती है। लेकिन आप अपने बालों और सिर में नमी बनाए रखने के लिए गुनगुने नारियल के तेल की मसाज कर सकते हैं। इससे आपके बालों में डैंड्रफ तो दूर होगा ही, साथ ही प्राकृतिक रूप से बालों को पोषण मिलेगा। आप अपने बालों को घना और लंबा बनाने के लिए नारियल के तेल के साथ साथ नारियल के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नारियल के दूध में प्रोटीन, लौह तत्व और कई अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो आपके बालों को लंबा होने और टूटने से बचाते हैं। नारियल के दूध को रात को बालों की जड़ों में लगाकर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से बालों को धो लें। नंबर 4, रीठा। जी हाँ, आंवला रीठा और शिकाकाई एक दूसरे के साथ खूबसूरती से काम करते हैं। संयुक्त होने पर ये चमकदार और स्वस्थ लंबे बाल देते हैं। ये तीनों सभी प्रकार के बालों के लिए उपयुक्त होते हैं और आपको लहराते, घने और चमकदार बाल देते हैं। इसके लिए आप 1 चम्मच रीठा, आंवला, शिकाकाई और एलोवेरा का रस लें और 2 चम्मच तिल का तेल लें। सभी को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाएं और 1/4 से 1/4 के लिए छोड़ दें। सप्ताह में 2 बार लागू करें और धीरे धीरे परिणाम बालों पर दिखने लगेगा। नंबर 5, टी ट्री ऑयल। जी हाँ, नारियल का तेल आपके बालों के लिए एक बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है। यदि आपको कभी महसूस हो कि यह ओवरटेड है तो आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसा नहीं है। यह आपके बालों में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है और आपके बालों को सुंदर, चमकदार, मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच तेल, 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल और 1 गर्म तौलिया। अब सबसे पहले नारियल के तेल को हल्का गर्म करें। अब इसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिलाएं। अब इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। 3 से 5 मिनट तक उंगलियों से मसाज करें और फिर भीगे हुए गर्म तौलियों को सर पर लपेट लें। 10 से 15 मिनट तक ऐसा ही रहने दें। फिर अपने बालों को किसी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू से धो लें।